हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। उम्मीद करते हैं आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। दोस्तों, आज की इस इंटरेस्टिंग वीडियो में बात करने वाले ब्रांड न्यू बजाज पल्सर 150 ट्विन डिस्क के बारे में, जो कि इंडियन मार्केट की एक बहुत ज़्यादा पॉपुलर बाइक है। लोग इसे काफ़ी ज़्यादा पसंद करते हैं और 150 जो ट्विन डिस्क है बजाज की पुराने वाली मॉडल ना, ये आपको काफ़ी ज़्यादा पसंद भी आएगी, क्योंकि काफ़ी क्लासिक बाइक है, काफ़ी अच्छी और काफ़ी ज़्यादा कंफर्टेबल जो बाइक आपको ये इंडियन मार्केट में देखने को मिल जाती है। सो दोस्तों, इस वीडियो में आप लोग को कम्प्लीट मैं बताऊँगा कि क्या प्राइस आती है, क्या स्पेसिफिकेशन है, क्या बजट में आप इस बाइक को खरीद सकते हैं। चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं, बात करते हैं बजाज पल्सर 150 ट्विन डिस्क के बारे में। अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करना, बेल के आइकन को ऑन कर लीजिएगा, ताकि ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो के नोटिफिकेशन भी आप तक पहुंचते रह सके एंड आप मेरे वीडियो से अपडेट रह सके। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो में आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले दोस्तों बात कर लेते हैं इस बाइक के प्राइस के बारे में, आपको ये क्या प्राइस देखने को मिलती है। अब ऑब्वियस बात है, कोई भी चीज़ खरीद रहे हैं, खरीदने की सोच रहे हैं, तो सबसे पहले हम यही सोचते हैं कि भाई हमारे पास बजट कितना, हमारे पास पैसा कितना है। दोस्तों बात कर लें इसके प्राइस के बारे में, तो ये आपको एक्सोरूम प्राइस अराउंड 1,15,000 से 1,15,000 के आसपास की आपको ये बाइक एक्सोरूम प्राइस देखने को मिलती है। बात कर ले ऑन रोड प्राइस के बारे में, तो मैं आपको क्लियर कर दूं, हर एक स्टेट एंड सिटी में ऑन रोड प्राइस में थोड़ा सा डिफरेंस होता है, क्योंकि हर एक स्टेट के आरटीओ एंड इंश्योरेंस चार्जेस में फ़र्क होता है। दोस्तों ये बाइक हमारे यहाँ रायपुर छत्तीसगढ़ में ऑन रोड प्राइस आपको बता रहा हूँ अराउंड मेरे हिसाब से 1,35,000 के आसपास की जो है ऑन रोड प्राइस आपको देखने को मिल रही है। बाकी दोस्तों आप लोगों के सिटी एंड स्टेट में इसका क्या ऑन रोड प्राइस, अगर आपको पता हो तो प्लीज़ यार कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। सबसे पहले दोस्तों आप बाइक का ग्राफिक देख पा रहे हैं कि बाइक में आपको काफ़ी अच्छा सा जो ग्राफिक है वो देखने को मिल रहा है, काफ़ी अच्छा ग्राफिक दिया है इनकी तरफ से और मुझे इस ग्राफिक बहुत ज़्यादा पसंद है और ये अपने 220 की भी याद दिलाता है। बाकी आपको ये ग्राफिक कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। बात कर लेते हैं दोस्तों अब इस बाइक के इंजन स्पेसिफिकेशन के बारे में। इंजन टाइप में इस बाइक में आपको बता दूं 149.50 cc का एयर कूल 4:2 ऑल ट्विन स्पार्क प्लग सिंगल सिलेंडर जो इंजन है वो आपको इस बाइक में देखने को मिल जाता है। ठीक है, बात करें पावर एंड टॉर्क के बारे में, मैक्सिमम पावर में इस बाइक में 14 PS के आसपास की पावर मिलती है, जो कि 8,500 RPM में पावर जनरेट करती है। एंड मैक्सिमम टॉर्क में 13.25 के आसपास का न्यूटन मीटर टॉर्क है, जो कि 6,500 RPM पे आपको बाइक जो है पावर जनरेट करती है। मतलब बाइक में आपको पावर इंजन टॉर्क है वो काफ़ी अच्छा देखने को मिल रहा है। कूलिंग सिस्टम में आपको बाइक में एयर कूलिंग जो इंजन है वो देखने को मिलेगा। फ्यूल सिस्टम में बाइक में आपको फ्यूल इंजेक्टर देखने को मिलता है, जिसे FIB कहते हैं। ठीक है, फ्यूल इंजेक्टर इंजन है बाइक में। आपको नंबर ऑफ वन सिलेंडर में इस बाइक को डिज़ाइन किया गया है। बाइक की बोर साइज 57 mm की है। बाइक की स्ट्रोक साइज 56.4 mm के आसपास की देखने को मिलती है। साथ में बाइक में आपको 5 गियर देखने को मिलेंगे, जी हाँ, नंबर ऑफ 5 स्पीड गियर बॉक्स के साथ में आती है। एंड बाइक में आपको नॉर्मल वेट मल्टीप्लेट जो क्लच है वो बाइक में आपको मिल जाता है। तो ये दोस्तों बाइक का कंप्लीट बेसिक इंजन स्पेसिफिकेशन। हालांकि दोस्तों आपको बता दूं, जब तक आप इस बाइक को एक बार राइड नहीं करेंगे ना, तब आप एक्चुअल में इसे फील नहीं कर सकते। एक बार जब आप राइड करेंगे तो आपको और भी अच्छी तरीके से समझ में आएगा। ठीक है, बाकी ये है कि जो लोग इसे पहले से राइड कर रहे हैं वो लोग इसकी अहमियत जानते हैं कि भाई 150 जो ट्विन डिस्क है वो बजाज की एक लेजेंडरी बाइक्स में से एक है। बात कर लेते हैं इस बाइक के माइलेज प्लस परफॉर्मेंस के बारे में। माइलेज में दोस्तों ये बाइक आपको अराउंड 50 के आसपास का जो माइलेज है इजिली आपको ये बाइक निकाल कर जो है दे देती है मेरे हिसाब से। प्लस बात करें 0 to 100 में, तो इस बाइक को लगभग 16 सेकंड के आसपास के लगते हैं। एंड टॉप स्पीड इस बाइक की अराउंड 115 किलोमीटर पर आवर के आसपास की जो टॉप स्पीड है वो आपको बाइक में देखने को मिल जाती है। सो चलिए दोस्तों अब बात कर लेते हैं इस बाइक के फ्रंट में। फ्रंट में सबसे पहले देख पा रहे हैं इस बाइक के सस्पेंशन। फ्रंट में आपको बाइक में जो सस्पेंशन देखने को मिलता है वो काफ़ी अच्छा देखने को मिलता है। बाइक में फ्रंट में आपको टेलीस्कोपिक सस्पेंशन देखने को मिलेंगे, काफ़ी अच्छे सस्पेंशन यहाँ पे यूज़ किए गए हैं। प्लस आपको बता दूँ फ्रंट में बाइक में 90-90 के जो टायर साइज है वो फ्रंट में मिलेंगे। बात कर ले ब्रेकिंग के बारे में। ब्रेकिंग में दोस्तों इस बाइक में आपको बताना चाहूँगा, सबसे पहले सिंगल चैनल एंटीलॉक जो ब्रेकिंग सिस्टम है वो आपको बाइक में देखने को मिल जाता है, जी हाँ, सिंगल चैनल EBS यहाँ पे यूज़ किया गया है। प्लस बात करें प्लेट साइज के बारे में, तो फ्रंट में आपको बाइक में अराउंड 280 mm के आसपास की जो प्लेट है वो आपको बाइक में देखने को मिल जाती है। बात करें अब लाइटिंग्स के बारे में, लाइटिंग्स में बाइक में थोड़ा सा अपडेट करना चाहिए। अभी भी आप लोग देख पा रहे कि बाइक में मेन लाइट में आपको नॉर्मल हैलोजन लाइट जो है वो बाइक में देखने को मिल जाता है। अब बताओ, इतना टाइम आ चुका है, हर कंपनी इतना अपडेट हो चुकी है, और बजाज को देख लो, हालांकि बजाज ने अपनी नई P150 में LED प्रोजेक्टर लाइट दी है, ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन फिर भी यार इसमें भी ये लोगों को अपडेट करके फुली LED पे काम करना चाहिए। टर्न सिंगल लैंप जो है तो आपको बाइक में बल्ब देखने को मिल जाता है। रियर में आते हैं, रियर में दोस्तों आपको बताना चाहूँगा, बाइक में टेल लाइट जो है वो LED देखने को मिलती है, काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगती है। रियर में जो टायर साइज़ है वो आपको इसमें रियर में 120 80 के टायर साइज़ देखने को मिलते हैं। रियर में बाइक में आपको 230 mm की जो डिस्प्लेट है
वो आपको बाइक में देखने को मिल जाएगी। चलिए अब बात कर लेते हैं दोस्तों इस बाइक के स्पीडोमीटर के बारे में। स्पीडोमीटर में दोस्तों देख पा रहे हैं कि बाइक में आपको एनालॉग विद डिजिटल मीटर जो है इस बाइक में देखने को मिलता है। हालांकि ये काफ़ी अच्छा भी लगता है। स्पीडोमीटर है फीचर में, स्पीडोमीटर है, टेकोमीटर है, ट्रिप मीटर है, ओडोमीटर है, फ्यूल गेज है, साइड स्टैंड इंडिकेटर है, लो ऑयल इंडिकेटर, लो बैटरी इंडिकेटर, ये कुछ कॉमन फीचर्स मिलते हैं। दो स्विचेस दिए हैं जिससे आप इसके स्पीडोमीटर को कंट्रोल कर सकते हो। बाकी स्विचेस में लेफ्ट हैंड साइड में पास स्विच, लो बीम हाई बीम टर्न सिग्नल है, हॉर्न का स्विच है, राइट हैंड साइड में इंजन किल स्विच, सेल्फ का स्विच आपको बाइक में मिलेगा। बात करें इसकी डिमेंशन एंड कैपेसिटी के बारे में, बाइक की ओवरऑल लेंथ है 2035 mm की, ओवरऑल विड्थ है 750 mm की, ओवरऑल जो हाइट है वो आपको मिलेगी 1150 mm की, प्लस बाइक की जो सीट हाइट है दोस्तों वो है 785 mm की। मतलब आपके हाइट अराउंड अगर मेरे हिसाब से 5.2 है सुपर, आप इसे राइड कर सकते हैं। व्हील बेस है 1345 mm का, कर्व वेट है 150 kg का, फ्यूल टैंक कैपेसिटी काफ़ी ज़्यादा है 15 लीटर के आसपास की मिल जाती है। तो दोस्तों ब्रांड न्यू बजाज पल्सर 150 टी इंडेक्स का कंप्लीट स्पेसिफिकेशन रिव्यू। आई होप दोस्तों आप लोगों के छोटी सी इंटरेस्टिंग वीडियो अच्छी लगी, अच्छी लगी लाइक करना, चैनल पर पहली बार है तो सब्सक्राइब कर लेना। मिलता है फिर नेक्स्ट वीडियो में। लव यू ऑल, जय हिंद, वंदे मातरम।